हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस ट्री। माय नेम इज़ हरमिंदर सिंह। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ह्यूमन डिजीजेज। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा लेक्चर सेकंड था उसमें हमने डिस्कस करे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, और उसमें हमने अपने जो बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनको डिस्कस करा था। तो आज हम करेंगे ह्यूमन डिजीजेज। तो गाइज, आज मैं आपको पहले एक जनरल सा आइडिया दे दूंगा, आपको समझ लग जाएगी कि ह्यूमन डिजीज क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कौन कौन से टाइप्स की होती हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में भी ये ह्यूमन डिजीज़ का टॉपिक जो है वो कंटिन्यू रहेगा, और उसमें भी हम बहुत सारी जो डिजीज़ की बात करेंगे। ओके, तो आज का चलिए देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले हमारे पास ह्यूमन डिजीज़ के भाई ये डिजीज़ होती क्या है। तो इट इज़ अ कंडीशन व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली इफेक्टेड। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, कोई सिस्टम गड़बड़ा जाता है, उसमें कोई चेंज आ जाती है, कोई विटामिन कम हो गया, कोई कुछ हो गया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन या कोई सिस्टम एडवर्सली इफेक्टेड यानी कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर होता है, उसको हम ह्यूमन डिजीज़ कह देते हैं। अब अगर इसकी हम टाइप्स की बात करें तो मेनली ये टू टाइप्स की हो सकती हैं, कॉन्जेनिटल एंड एक्वायर्ड। अब अगर हम बात करें कॉन्जेनिटल की, तो गाइज ये वो डिजीज़ होती हैं जो कि बर्थ से ही हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो ये बहुत सारे इसमें सब पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है एलर्जी है। ओके, एलर्जी का मीनिंग क्या है कि आपके जो ब्लड है या कई बार क्या होता है कि बॉडी में कोई आपका पार्ट है तो वो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को लेके वो एलर्जिक होता है, तो वो बॉडी के ऊपर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब भी वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पास आता है। ठीक है, सेकेंड है डेफिशिएंसी। इसमें क्या है कि पर्टिकुलर किसी एलिमेंट की, कोई मिनरल है, कोई विटामिन है, उसकी डेफिशिएंसी होगी, उससे जो होते हैं। डीजनरेटिव का मीनिंग होता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से मसल्स जो है उसकी डीजनरेशन शुरू हो गई है, या किसी ऑर्गन की, तो जैसे मस्कुलर एट्रॉफी जैसे हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डीजनरेटिव डिजीज़ में आती हैं। उसके बाद है हमारे पास कैंसर, जो कि होता है कार्सिनोजन जो प्रोडक्ट्स हैं उसके यूज़ से। तो कैंसर आप समझते हो कि इसमें क्या होता है कि जो बॉडी में किसी पर्टिकुलर जगह पे जो सेल्स होते हैं उनमें अनवांटेड ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, वो अनवांटेड डिवीज़न होती है, तो उससे वो कैंसर बन जाता है। और ये दो तरह का हो सकता है, बेनाइन होता है एक, यानी कि जो लेस हार्मफुल होता है, मैलिग्नेंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, वो पूरे बॉडी में स्प्रेड भी कर सकता है। इसी तरह जो मेंटल डिजीज़ हैं या ब्रेन से रिलेटेड जो न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर हैं वो भी कॉन्जेनिटल, उसको हम कहेंगे कि ये बर्थ से प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन जो सेकंड पार्ट है एक्वायर्ड, हम किसको कहेंगे, कौन सी डिजीज को हम एक्वायर्ड कहेंगे, जो हम लाइफ टाइम के दौरान हम उसको एक्वायर करते हैं, तो इसमें कंटेजियस आ जाएगा और नॉन कंटेजियस। अब ये कंटेजियस क्या चीज़ है, कंटेजियस का मीनिंग है कि जिसको हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से स्प्रेड करते हैं। जैसे इस टाइम पे कोरोना का स्प्रेड हो रहा है तो हमें पता है ये क्या है, ये कंटेजियस डिजीज है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट से हो सकता है। अगर इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो वायरस है, वो आपके नेजल ड्रॉपलेट्स में आप छींकते हो, स्नीज करते हो, उसे एयर में चला जाता है, तो सामने वाले के अगर वो कॉन्टैक्ट में आता है तो उसको भी ये डिजीज हो जाएगी। ओके, तो नॉन कंटेजियस क्या होता है, नॉन कंटेजियस का मीनिंग है कि जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं होती, वो सिर्फ उसके पॉजिटिव एजेंट से होती है, जैसे कि मलेरिया है। ओके, तो उस पर्टिकुलर चीज से होगी, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं होती। तो ये मेन डिफरेंस है कंटेजियस और नॉन कंटेजियस में। ठीक है, तो इसके बारे में अब सारी जो डिजीजेज हैं उसको वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये बेसिक पता चल गया होगा, टाइप्स में क्या है, कॉन्जेनिटल एंड एक्वायर्ड। कॉन्जेनिटल जो है वो बर्थ से प्रेजेंट हो सकती है, एक्वायर्ड जो है वो लाइफ टाइम के दौरान हम एक्वायर करते हैं, और इसमें आ गया कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस। आगे देखते हैं, सबसे पहले आ गया हमारे पास वायरस। तो वायरस ये वर्ड हमने बहुत बार सुना है, तो देखें ये क्या है। ऐसा होता है जैसे आप पिक में ये देख रहे हो, तो वायरस जो है वो सब माइक्रोस्कोपिक का मीनिंग है कि जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, आप उसको माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हो। तो सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट होता है। तो सबसे इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये रेप्लिकेट करता है कहाँ पे, ओनली इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो गाइस, जैसे कहते हैं कि ये हाफ लिविंग है एंड हाफ डेड होता है, उसका मीनिंग ये होता है कि वैसे ये डॉर्मेंट स्टेज, डॉर्मेंट का मीनिंग होता है कि ये इनएक्टिव स्टेज में ही रहता है,
इनएक्टिव स्टेट में रहेगा, लेकिन जब वो किसी लिविंग सेल या ऑर्गेनिज्म में एंटर कर जाएगा तब ये एक्टिव हो जाएगा, तभी ये रेप्लिकेट यानी कि मल्टीप्लाई कर पाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब एंटर हो गया तो ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो अब ये किसको इन्फेक्ट कर सकता है, देखिए एनिमल्स को, प्लांट्स को, माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को, आर की ये ग्रुप है तो इसको भी, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये इन्फेक्ट कर सकता है। यहाँ तक कि जो वायरस हैं वो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो एनिमल्स में, प्लांट्स में, सब जगह इनकी जो डिजीजेज हैं वो हो सकती हैं। ओके, तो आपने ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है कि जो वायरस है वो रेप्लिकेट करता है लिविंग सेल के अंदर जब ये एंटर करता है ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे वैक्सीन की। तो वायरस को हमने समझ लिया, अब हम जैसे अब कोरोना जो है काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है पूरी दुनिया में, तो हमें पता है कि वैक्सीन की बात हो रही है। तो आपने भी सुना होगा कि बचपन में कभी ना कभी सभी की वैक्सीनेशन होती है जो छोटे बच्चे होते हैं। तो लेकिन ये वैक्सीनेशन है क्या, ये वैक्सीन क्या चीज़ है? अब वैक्सीनेशन से हमें क्या मिलता है, हमें एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलती है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है टू ए पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज, उसके अगेंस्ट ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये होता क्या है, एक्चुअल में जो वैक्सीन होता है उसमें इस डिजीज के जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं यानी कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उसकी एक वीक फॉर्म जो है उसमें प्रेजेंट होती है, या वो उस माइक्रोब से प्रोड्यूस किए गए टॉक्सिन्स हो सकते हैं या फिर उसके सरफेस पे रहने वाला कोई प्रोटीन हो सकता है, ये उस वैक्सीन में होते हैं वीक फॉर्म में या फिर किल्ड फॉर्म में। जब उसको एंटर करा जाता है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी जो है वो उस वीक एजेंट के अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाना शुरू कर देती है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अवर बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग पिक्चर लाइक उसको एक रेप्लिका, उसके जैसे एक मेमोरी होती है इम्यूनिटी की, उसमें एक उसका रेप्लिका बन जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो इन्फेक्शन दोबारा आएगा तो बॉडी कैन ईजिली रिकोगनाइज दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन। तो ये काम बड़े आसान से हो जाएगा, ठीक है। तो वैक्सीन का काम क्या है कि ये कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की एक वीक फॉर्म होगी और या किल्ड फॉर्म होगी या उसका टॉक्सिन या सरफेस प्रोटीन, और इसका काम क्या होगा, ये बॉडी में एंटीबॉडीज को जनरेट करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा और बॉडी को हेल्प करेगा नेक्स्ट टाइम सेम इन्फेक्शन को रिकोगनाइज करने में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, तो एजेंट ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू रिकोगनाइज द एजेंट एज ए थ्रेट, डिस्ट्रॉय इट। तो जब ये उसको नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा से इन्फेक्शन होता है ये उसको रिकोगनाइज करेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये हेल्प करेगा बॉडी की प्रोटेक्शन में फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट। तो अब यहाँ पे इम्यूनिटी की बात हुई है तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जो थे वो कौन थे, लुईस पास्चर थे। इनको बस नाम आपने याद रखना है, ठीक है। तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन थे, लुईस पास्चर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वायरल डिजीजेस। तो गाइज ये जो वायरस हैं, वायरस से जो डिजीज़ होती हैं उनको वायरल डिजीज कहते हैं, और ये जो लिस्ट है ये आपने याद रखनी है। तो अब ये देखिए एड्स जो है, तो एड्स अब इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसलिए इसको एड्स कहते हैं। और ये जो है ये देखिए, ठीक है, तो HIV इसका जो वायरस है तो ये क्या है, ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। ओके, तो नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, फिर हमारे पास चिकन पॉक्स है, ये है वेरिसेला हर्पीज वायरस है, इन्फ्लुएंजा जो है वो ऑर्थोमिक्सो वायरस है, मीजल्स जो है तो ये भी इसमें स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, ये एक डिजीज होती है, रिब्योला वायरस है इसमें। तो ये आपने याद रखना है, अगर आप वन बाय वन इन सभी वायरस को याद नहीं भी रख पाते तो आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि इन ये जो डिजीज़ हैं ये वायरस से होते हैं। अगर आप इतना भी याद रख लेते हो तो ये अच्छी बात है, तो ये भी सफिशेंट है, ठीक है। तो पोलियो जो है वो भी एंटेरो वायरस है, रेबीज़ है, तो ये सभी जो डिजीज़ हैं ये किससे होती हैं, ये वायरस से होती हैं। ओके गाइज, जैसे इन्फ्लुएंजा जो है इसके जो वायरस हैं उसकी डिफरेंट स्ट्रेन्स होती हैं वो आगे हम बात करेंगे। ओके, तो एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है।
तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में कि ये जो डिजीज़ है, जब ये वायरस एक्ट करता है बॉडी में तो पर्सन की जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि वायरस से कभी पर्सन की स्पेशली डेथ नहीं होती, लेकिन उसकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से अगर उसको कोई नॉर्मल कोई फीवर है या कफ कोल्ड कुछ भी है तो उसी से उसकी डेथ हो जाती है, बिकॉज जो इम्यूनिटी है उस पर्सन की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, इसी तरह चिकन पॉक्स है। अब कुछ स्टूडेंट्स को याद भी होगा कि 90s में, जिनका बर्थ 90s से पहले या 89-90 में, तो उस टाइम पे चिकन पॉक्स बड़ी प्रेवलेंट होती थी। तो बच्चों को स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स एक बार लाइफ में जरूर होती थी उस टाइम पे, लेकिन अब उसकी जो प्रेवलेंस है वो काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़िया हमारे पास वैक्सीन जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इसी तरह ये बाकी की भी हैं डिजीज़। अब ये जो मम्स डिजीज़ है, ये क्या है, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे मैंडिबल में, मैंडिबल जो है वो हमारे माउथ का लोअर पार्ट जो है, जिसको हम कहेंगे जो नीचे का जो है पार्ट माउथ का, तो चिन वाला पार्ट, उसको हम कहते हैं मैंडिबल। और इसके साइड पे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिसमें वो सलाइवा बनता है। तो उसकी जब इन्फ्लामेशन होती है, उसमें जब इन्फ्लामेशन होगी तो उसको हम कहते हैं मम्स। तो ये भी वायरस से होती है। तो गाइस, ये पोलियो, रेबीज, ये सारे जो हैं वो वायरल डिजीजेज हैं। तो सार्स जो है, जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसको कहेंगे, इसकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो इसी ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, इसी फैमिली का वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर है। ये ये वायरस इवेंट डिजीज, अब बात कर रहे कोरोना वायरस की। तो गाइज, अब आपको पता है कि एट प्रेजेंट जो वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज बना हुआ है वो ये वायरस है। तो ये वायरस क्या करता है ये देखते हैं। एक्चुअल में कोरोना वायरस कोई सिंगल वायरस नहीं है, ये एक फैमिली ऑफ वायरस है। इसमें बहुत सारे वायरस जो हैं वो पहले भी आ चुके हैं, और ये जो स्ट्रेन है ये न्यू स्ट्रेन है, एक नई टाइप है जो बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस है, बहुत जल्दी स्प्रेड करती है। तो ये मैमल्स एंड बर्ड्स में पाया जाता है। कोरोना वायरस क्या है, ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड वायरसेस हैं दैट कॉजेज डिजीजेज इन मैमल्स एंड बर्ड्स। तो इन ह्यूमंस कोरोना वायरस कॉज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन करेंगे। तो गाइज, मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि कोरोना का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कोई भी एग्जाम होगा उसमें कोरोना वायरस के ऊपर क्वेश्चन आना बहुत ही ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। तो ह्यूमंस में चलिए देखते हैं, ह्यूमंस में ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम लंग्स में क्या होता है, पहले नॉस्ट्रिल्स होते हैं, फेरिंग्स में से एयर जाती है, फिर ट्रेकिया में एंटर करती है, फिर ब्रोंकाई होता है, फिर आगे लंग्स होते हैं। ये सारा क्या है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। तो उसका जो इन्फेक्शन है उसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब इसमें, इस जो ग्रुप में, इस कोरोना वायरस के ग्रुप में पहले कौन कौन से वायरस आ चुके हैं, इन्होंने कौन कौन सी डिजीज करी है, ये देखिए। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसी के साथ ये मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी पहले स्प्रेड हुआ था 2012-13 के अराउंड। तो सार्स जो है वो पहले 2003 में भी आया था, इसकी आउटब्रेक हुई थी। और कोविड-19 जो है, जो कोरोना वायरस डिजीज़ है 2019 की, ये देखिए एट प्रेजेंट चल रही है। ठीक है, तो इसको मिडल ईस्ट क्यों कहते हैं कि ये कैमल से, उस टाइम पे ये था कि ये कैसे स्प्रेड हो रहा है, कैमल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो थे वो लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिए थे जब ये मर्स वायरस स्प्रेड हुआ था। उससे पहले ये सार्स है, इसने भी काफ़ी ज़्यादा फैटलिटी कॉज करी थी, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई तो थी। अब देखिए ये, अब यहाँ पर जो एट प्रेजेंट जो डिजीज है उसमें जो वायरस है वो ये है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसको COV2 के नाम से हम डिनोट करते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। तो ये आपने याद रखना है कि ये आरएनए वायरस है। तो आपको ये सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है, या फिर ये डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो बड़े आराम से इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो हाईली कंटेजियस है ह्यूमंस में। तो सबसे पहले कहाँ पे आउटब्रेक हुआ, वुहान में हुआ, चाइना की ह्यूबेज प्रोविंस है ये। तो ये बन गया पेंडेमिक। पेंडेमिक काफ़ी, यानी कि पैन ग्लोबल ये डिजीज़ है, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो चुकी है। इसको और ये पेंडेमिक, देखिए, ये मार्च का ये मैप था, तो अभी तो अप्रैल शुरू हो चुका है, अप्रैल का भी काफ़ी पार्ट चला गया है। तो ये 27 मार्च का ये मैप है। देखिए, उस टाइम पे
इंडिया में अभी इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ था, लेकिन अब तो काफ़ी स्प्रेड हो चुका है और 30,000 के पास हम पहुंच गए हैं नंबर्स। तो ये देखिए, उस टाइम पे नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड था, ऑस्ट्रेलिया में, इटली में, यहाँ पे यूरोप में काफ़ी ज़्यादा है, तो इंडिया में उस एट दैट टाइम तो नंबर जो थे वो काफ़ी कम थे उस टाइम पे। चलिए अब देख रहे हैं एक और जो वायरस है, ये है एबोला वायरस। तो एबोला वायरस जो था ये भी डेडली वायरस है। तो ये क्या करता है, इसमें फीवर, डायरिया, बॉडी एक एंड समटाइम्स ब्लीडिंग। तो गाइज, एबोला वायरस की जो सबसे जो मेन सिम्टम था वो ये था कि इंटरनली और एक्सटर्नली ये ब्लड वेसल, जो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, ये उसको उसमें डिफेक्ट हो जाता है, उसमें लीकेज शुरू हो जाती है। तो इंटरनली और एक्सटर्नली जो बॉडी है वो ब्लीड करना शुरू कर देती है। तो वायरस स्प्रेड होता है थ्रू आउट द बॉडी, इट डैमेजेस द इम्यून सिस्टम एंड ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्यों? क्योंकि इसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बिकॉज देयर इज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग सेल्स। तो कौन से सेल से? तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दी सेल्स आर नोन एज प्लेटलेट्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो दिस लीड टू सीवियर अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग जो है वो होनी शुरू हो जाती है। इसकी आउटब्रेक हुई थी इन 2014-16, एबोला आउटब्रेक इन वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा इसकी आउटब्रेक हुई थी। तो ये है रीजन का नाम, साउथ ईस्टर्न गीना। चलिए, तो एक और जो इम्पोर्टेंट टाइप है वायरस की, वो है जीका वायरस। तो ये जितने भी वायरस की टाइप्स हैं, इसके ऊपर बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके जो कॉजेटिव एजेंट के ऊपर आ सकते हैं, कोई मेजर सिम्टम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वायरस वायरल डिजीज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट हो गया है काफ़ी। तो जीका वायरस में देखिए, इसकी जो फैमिली है दैट इज फ्लैविविरिडी। फ्लैविविरिडीज की फैमिली का नाम है। इट इज स्प्रेड बाय डे टाइम एक्टिव। तो गाइज, जो डेंगू की जो डिजीज है, जो डेंगू फीवर है, वो भी एडीज इजिप्टी मॉस्किटो से होता है। तो इसी तरह ये भी, तो ये देखिए एडीज मॉस्किटो जो है उसकी टाइप्स हैं, ये देखिए एडीज इजिप्टी है और एडीज एल्बोपिक्टस है। तो ये डिजीज कॉज करती हैं क्या? जीका वायरस, ये इसको स्प्रेड करती हैं। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द जीका फॉरेस्ट। तो युगांडा में ये फॉरेस्ट था, युगांडा जो कि अफ्रीका की अफ्रीकन कंट्री है, जीका फॉरेस्ट था वहाँ पे। तो 1947 में इस वायरस को आइसोलेट करा गया, वहाँ पे ये मिला था। और ये डेंगू फीवर, येलो फीवर, जैपनीज एनसेफलाइटिस, ये सभी डिजीजेस कॉज करता है कौन सा? जीका वायरस। ये आपने बिल्कुल याद रखना है। ये नेक्स्ट देखते हैं, तो इसकी जो आउटब्रेक थी वो 2015-16 में हुई थी। ओके, तो ये ट्रॉपिकल रीजन में मेनली जो था ये हुआ था, स्प्रेड हुआ था। तो ट्रांसमिशन देखिए इसकी, तो ट्रांसमिशन पिक्चर देखिए, तो बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो से, तो वो इसको कैरी करता है जीका वायरस को, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो से, मदर टू बेबी हो सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटी से हो सकता है, एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन हुआ है उसका, किसको ब्लड दिया है, तो उससे भी ये स्प्रेड हो सकता है। तो ये हो गया जीका वायरस। तो ये रीजन था, ये देखिए यहाँ पर साउथ अमेरिका है, इधर नॉर्थ अमेरिका, तो सारे रीजन में ये स्प्रेड हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस। तो गाइज, जैसे हमने पहले बात करी है कि इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरल डिजीज है, तो स्वाइन फ्लू आपने वर्ड सुना होगा। तो जो भी ऐसा कोई डिजीज न्यूज में रहा है तो वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, जिसको स्वाइन ओरिजिन इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, तो ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट स्ट्रेन्स कहते हैं। जब हम टाइप होती हैं तो उसको हम स्ट्रेन वर्ड यूज़ करते हैं वायरस में। तो स्ट्रेन ऑफ द इन्फ्लुएंजा फैमिली ऑफ वायरस, ये एक प्रॉपर ग्रुप है जिसको इन्फ्लुएंजा ग्रुप हम कहते हैं वायरसेस का, ठीक है। तो दैट इज एंडेमिक इन पिग्स। तो जहां पर स्वाइन वर्ड आ गया तो ये पिग से ऑटोमेटिकली रिलेटेड हो जाता है। तो पिग्स में ये एंडेमिक, एंडेमिक का मीनिंग है कि कहीं और नहीं, सिर्फ पिग्स में, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक टाइप है जो पिग्स में। वैसे तो इन्फ्लुएंजा वायरस की और भी टाइप्स हैं जो ह्यूमंस में भी होती हैं या बर्ड्स में भी पाया जाता है, लेकिन पिग्स में ये एंडेमिक है। कौन सी? ये स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस, SIV। तो अब यहाँ पर जो स्ट्रेन्स हैं, इसमें इन्फ्लुएंजा सी, इसकी जो फर्दर सब टाइप्स हैं, इसमें एक इन्फ्लुएंजा सी भी है और इन्फ्लुएंजा ए भी है, सब टाइप्स हैं इसकी। तो क्वेश्चन जो है वो H1N1, ये देखिए
तो ये है इनकी डिफरेंट टाइप्स। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है। तो ये किसकी टाइप है, ये इन्फ्लुएंजा फैमिली जो है वायरसेस की उसकी टाइप है स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस, और इसमें इन्फ्लुएंजा सी और इन्फ्लुएंजा ए फर्दर टाइप्स हैं, और इन्फ्लुएंजा ए में जैसे फर्दर ये और भी आगे टाइप्स हैं, ये देखिए यहाँ पर। तो अब इसको ये जो टाइप्स हैं H1N1 H3N1, तो डायरेक्टली ये अगर क्वेश्चन बनाना हो तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि H5N1 जो है वो किस में पाया जाता है, या फिर H3N1 किस में प्रेवलेंट होता है, H1N1 किस में है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो H1N1 इज द सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए एंड इट इज कॉमन कॉज ऑफ ह्यूमन इन्फ्लुएंजा फ्लू। तो गाइज ये रहा ह्यूमन, तो ह्यूमन में कौन सी स्ट्रेन है, H1N1 एंड H3N1 इज ए सब टाइप ऑफ द स्पीसीज इन्फ्लुएंजा ए, और ये किस में है, पिग्स में। तो ये पिग्स में डिजीज कॉज करती है। एंड आफ्टर दैट एवियन इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन। तो गाइज ये जो एवियन वर्ड जो है ये रिलेटेड है बर्ड से, इट मीन्स ये किस में प्रेजेंट है, एवियन इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। तो इसमें जो ये स्ट्रेन है, ओके, तो ये स्ट्रेन जो है H5N1 अपीयर्ड इन चाइना इन 1996, ओके। तो दिस स्ट्रेन इज पैथोलॉजिकली एक्टिव, हाईली एक्टिव स्ट्रेन है ये H5N1 एंड इट इज प्रेवलेंट इन द बर्ड्स। तो बर्ड्स में H5N1, ह्यूमंस में H1N1 एंड H3N1 इन पिग्स। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स होगी इसकी, तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये किस में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से याद रखना। तो आफ्टर दैट बैक्टीरिया, अब पहले हमने बात करी है वायरस की, अब हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है। तो गाइज अगर आपको याद हो कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट लेक्चर करा था उसमें हमने बात करी थी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, और आई होप कि आपको वो याद होगा कि जो बैक्टीरिया थे वो प्रोकैरियोट्स ग्रुप में आते थे, ये प्रोकैरियोट सेल थे। यहां पर देखिए, दीज आर ए टाइप ऑफ बायोलॉजिकल सेल एंड कॉन्स्टिट्यूट ए लार्ज डोमेन ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यानी कि ये प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि इसमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। इसकी जो शेप है स्फीयर हो सकती है, रॉड लाइक हो सकती है, स्पाइरल हो सकती है, ठीक है। और दूसरा है ये फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स हैं अपीयर ऑन अर्थ। तो अर्थ पे सबसे पहले यही प्रोड्यूस हुए थे, यहाँ पर हर तरह के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टोपोग्राफी में इन्होंने सर्वाइव किया है, चाहे वो सॉइल हो, वाटर, एसिडिक हॉट स्प्रिंग्स हो, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो, ये कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन इनमें से जो कुछ हैं वो डिजीज कॉजिंग भी हैं। तो अब हम करेंगे डिजीज बैक्टीरिया। तो ये देखिए गाइस, ये जो बिल्कुल एक छोटी सी लिस्ट है, आपको इन सभी के जो पॉजिटिव एजेंट है, ये है डिजीज, ये है उसके पॉजिटिव एजेंट, तो ये आपको याद होने चाहिए। तो टाइफाइड है साल्मोनेला टाइफी। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर देखिए इसके जो नेम में डिजीज का नाम आ जाएगा तो इसको याद करना बड़ा आसान है, और वहाँ पर इसको रिकोगनाइज करना भी आसान हो जाएगा। तो साल्मोनेला टाइफी यानी कि टाइफाइड है, डिप्लोकोकस निमोनी यानी कि निमोनिया, विब्रियो कॉलरी कॉलरा। तो यहाँ पर देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो ये टीबी का है। लेप्रोसी जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं जिसमें स्किन खराब हो जाती है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ओके। तो ये न्यूरॉन्स के ऊपर भी इफेक्ट करता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, तो ये आपकी स्किन जो है वो उसकी डिग्रेडेशन होनी शुरू हो जाती है। टीबी आपको पता है ये लंग्स से रिलेटेड है। उसके बाद डिप्थीरिया जो है, इसमें कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। तो अब यहाँ पर देखें तो ये जो डिजीज है बुबोनिक प्लेग, तो ये देखिए, तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है यर्सिनिया पेस्टिस, तो इसमें प्लेग का पता नहीं चलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन बड़े आराम से आ सकता है, जैसे अब इसमें है सिफिलिस, तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है ट्रेपोनिमा पैलिडम, तो यहाँ पर इसके नाम से तो डिजीज का नहीं पता चलेगा, तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो जनरली आ सकता है, ठीक है। सिफिलिस है, ट्रेपोनिमा पैलिडम, तो ये सारे जो पॉजिटिव एजेंट हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो ये देखिए स्कारलेट फीवर है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ओके, मेनिनजाइटिस जो है वो निसीरिया मेनिनजाइटिस, और गोनोरिया है निसीरिया गोनोरी। तो ये सारे पॉजिटिव एजेंट आपको पता होने चाहिए और इसकी डिजीजेस। तो नेक्स्ट गाइस देखते हैं, अब ये देखिए यहाँ पर ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिजीज़ है और इसका टेस्ट, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी बार बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं, कि क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है कि जैसे डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट होता है। तो ये आपको टेस्ट जो है वो बड़े बेसिक से टेस्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो शिक टेस्ट है वो डिप्थीरिया के लिए है, सिफिलिस के लिए वर्सेमैन टेस्ट है, तो टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट। तो टाइफाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट। ओके, सो एवरी टाइम इफ ए पर्सन इज हैविंग टाइफाइड तो उसके ऊपर कौन सा टेस्ट किया जाएगा, विडाल टेस्ट। डेंगू के लिए टॉर्निकोट टेस्ट है, तो एलाइजा टेस्ट जो है वो कार्सिनो जेनिक यानी कि कैंसर के लिए है। टीबी के लिए है तो मैंट्रिक्स टेस्ट है, लेप्रोसी के लिए लेप्रोमिन स्किन टेस्ट है। ऑल दीज टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज पॉइंट्स। ओके गाइज, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर फैक्चुअल जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा रहेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत सारी डिजीजेज जो हैं वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आई होप कि आपको जो बेसिक टर्म्स हैं, वायरस है, वैक्सीन है, बैक्टीरिया है, तो वो आपको समझ आ जाना चाहिए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है वो क्या है, तो अब यहाँ पर बात करें तो प्रोटोजोआ इज़ एन इनफॉर्मल टर्म फॉर सिंगल सेल यूकेरियोट्स। तो गाइस जैसे हमने बात करी थी कि यूकेरियोट्स में हमारे पास जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, उसमें प्लाज्मोडियम भी आएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये प्रोटोजोआ हैं, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक। पैरासिटिक जो है आप समझते हैं इसका मीनिंग क्या है, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ रहना और उससे कोई उसको बेनिफिट हो तो उसको हम पैरासाइट कहेंगे, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को लॉस हो रहा हो, यानी कि उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो लेकिन इसके ऊपर, इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, तो ये पैरासाइट हो गया। तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, एंड दे फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर सच एज माइक्रोब्स और ऑर्गेनिक टिश्यूज एंड डेब्रीज। ओके, तो ये यूकेरियोट्स हैं, तो यूकेरियोट्स का मीनिंग क्या हो गया, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलिस, तो ये इसमें सारा कुछ प्रेजेंट होता है। तो गाइज बहुत सारी डिजीजेस हैं जो कि प्लाज्मोडियम से या प्रोटोजोआ से, सॉरी प्लाज्मोडियम से तो मलेरिया कॉज होता है, और भी बहुत सारे प्रोटोजोआ हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। तो अब उसके बारे में कौन हम सी देखते हैं, डिजीज तो गाइज ये देखिए, ये जितनी भी डिजीजेज हैं दीज ऑल आर कॉज बाय द प्रोटोजोआ। सो हेयर इज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, इट इज कॉज बाय ट्राइपैनोसोम गैम्बियंस, अमीबिक डाइसेंट्री, इट इज रिलेटेड टू स्टमक, सो इट इज कॉज बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका, काला अजार है, इसको डमडम फीवर भी कहते हैं, लिशमेनिया डोनोवानी इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, देन इज डायरिया, इट इज कॉज बाय जियार्डिया, ओके, देन इज ल्यूकोरिया, इट इज अ डिजीज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल्स एंड इट इज कॉज बाय ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, देन इज मलेरिया, इट इज कॉल्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीसीज। अब ये जो है प्लाज्मोडियम, तो मलेरिया जो है हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, बिकॉज हमारे इंडिया में यहाँ पर मे बी इसकी प्रेवलेंस जो है वो काफ़ी कम हुई है लास्ट 1-2 डिकेड्स में, लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड है, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहाँ पर एक बहुत मेजर पोर्शन जो है वो पॉपुलेशन का उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू मलेरिया, क्योंकि वहाँ पर जो है इसके जो पहले तो मॉस्किटो को रोकने के लिए कुछ ज़्यादा वहाँ पर नहीं है इंतज़ाम, और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर एजुकेशन भी इतनी नहीं है, तो इसको कैसे रोकना है, क्या करना है, उनको नहीं पता, तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी टेस्ट हो जाती हैं। तो ये होता है प्लाज्मोडियम से। अब ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी भी टाइप्स हैं, तो डिफरेंट जो टाइप्स हैं प्लाज्मोडियम की, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया जो है वो कॉज करती हैं। तो गाइज ये जो है जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं, तो ये जो एजेंट्स हैं, कॉजेटिव एजेंट्स हैं, ये इनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो मलेरिया की बात करें हम, तो मलेरिया क्या है, तो सीरियस फेटल डिजीज है, ठीक है। तो इसमें सबसे जो कॉमन सिम्टम है वो क्या है, शेकिंग चिल्स। ओके, तो जो पर्सन होता है तो उसको चिल्स आते हैं, तो बहुत ज़्यादा कांपता है वो। तो यहाँ पर देखिए, वेरी सिक विद हाई फीवर्स, ओके, तो शेकिंग चिल्स एंड फ्लू लाइक इलनेस। अब यहाँ पर मॉस्किटो से होगा वो, तो
मॉस्किटो जो है इट फीड्स ऑन ह्यूमन ब्लड, तो उससे वहाँ ये ट्रांसफर हो जाता है प्लाज्मोडियम, कहाँ पे, ह्यूमन ब्लड में, ठीक है। तो टाइप ऑफ मलेरिया जो है ये देखिए, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम भी है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। तो गाइज इनमें से सबसे डेंजरस जो है वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है। तो ये देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट क्लेम्स अप्रॉक्स 6 लाख डेथ्स एवरी ईयर, हर साल 6 लाख लोग जो है वो फेल्सीपेरम जो इसकी टाइप है उससे ही उनकी डेथ हो जाती है। ओके गाइस, तो ये है मलेरिया की बात। तो मलेरिया जो है वो ये भी सीरियस डिजीज है। तो ऐसी जितनी भी डिजीज हैं उनके बारे में आपको जो बेसिक पॉइंट है वो पता होने चाहिए। ओके गाइस, फेल्सीपेरम आपने ये नाम याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर दिस लेक्चर। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी बहुत सारी डिजीजेज जो हैं थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपको एक बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताने थे। तो नेक्स्ट टाइम आपको मैं साथ में एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस द पीडीएफ इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो इस पीडीएफ में मैं आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो भी आप देख लेना। ओके, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।